ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है सदाचार ही सम्मान दिलाता है। एक राजा था, उनके जो मंत्री थे वो बहुत गुणवान, बुद्धिमान, व्यवहारिक कुशल थे। राजा भी उनको बहुत प्यार करता था, सम्मान देता था, और प्रजा का भी मंत्री ने पूरा दिल जीत लिया था। सारी प्रजा मंत्री को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती थी। एक बार अचानक मंत्री को एक संकल्प आया। क्या संकल्प आया? मंत्री ने सोचा कि सारी जनता प्रजा मुझे सम्मान क्यों दे रही है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या मैं मंत्री हूं इसीलिए, ऐसा सोचने लगा। क्या मैं ब्राह्मण हूं इसीलिए, क्या मैं धनवान हूं इसीलिए? फिर उसको जवाब मिलने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर सोचने लगा, तो फिर क्या बात है, क्या कारण है, मुझे इसको जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे सोचकर फिर उसने एक प्लान किया। उस प्लान अनुसार उसने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया। धीरे धीरे वो लोगों से प्यार भरी व्यवहार की बात नहीं करता था, रूखा सूखा रहने लगा। एक बार एक दुकान में गया, वो दुकानदार की दो तीन चीज उठा के आ गया। दुकानदार को बुरा तो बहुत लगा, परंतु इतना समय जो मंत्री का अच्छा स्वभाव देखा था, सम्मान करता था, तो चुप हो गया। फिर दो चार दिन के बाद मंत्री जी एक फल के दुकान में गए और थोड़े से फल उठा के आ गया। फल वाले दुकानदार को भी बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, पर वो भी चुप हो गया। फिर दो चार दिन के बाद मंत्री जी के सर्राफ की दुकान में चले गए और उनकी अलमारी में से एक बहुमूल्य हार लिया और चलने लगे। अब उस सर्राफ को बहुत गुस्सा आया, उसने कोतवाली में बताकर और मंत्री जी को पकड़ा दिया, मंत्री जी को जेल में डाल दिया। राजा को सुनकर बड़ा दुख हुआ। सारी प्रजा कोतवाली में एकत्रित हो गई, चिल्लाने लगी। और दूसरी तरफ मंत्री जी जोर से चिल्ला रहे थे, पता लग गया, पता लग गया, पता लग गया। तो प्रजा को लगा अब तो मंत्री पागल ही हो गया है। राजा ने जब ये सुना तो राजा को भी संकल्प आया, मैं मंत्री के पास जाऊं। वो स्वयं कोतवाली में आए, मंत्री जी के सामने आए, बोला ये तुमको क्या हो गया है। मंत्री जी राजा के सामने भी बोलने लगे, पता लग गया, पता लग गया। तो राजा ने कहा, तुमको क्या पता लग गया? तो मंत्री जी ने कहा, मैं ये रहस्य आपको बताना चाहूंगा, परंतु इस प्रजा को आप साइड में कर दो, इनको अपने घर भेज दो। राजा ने सारी प्रजा को अपने घर भेज दिया। फिर मंत्री ने कहा कि मेरे मन में एक बहुत प्रश्न के रूप में बात आती थी, आज मुझे उसका हल मिल गया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। राजा ने कहा, कौन सी बात आती थी? तब मंत्री ने कहा कि मुझे ये संकल्प चला कि लोग मेरा आदर क्यों करते, मुझे सम्मान क्यों देते हैं। क्या मैं मंत्री हूं, धनवान हूं, विद्वान हूं, पंडित हूं, ज्ञानी हूं, पर मुझे इस बात का जवाब ठीक नहीं लगा। तो मैंने ये विधि अपनाई। तो राजा ने कहा, अभी तुमको क्या पता लगा? तो कहा, अभी मुझे पता चला
कि सम्मान सदाचारी में मिलता है, सद्गुणों के आधार पर मिलता है। देखो आज मैं मंत्री पद पर तो हूं ही, मैं धनवान भी हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं, परंतु गलत कर्म से मुझे इस स्थान पर आना पड़ा। तो अब मैंने महसूस किया कि सम्मान का जो प्रमुख कारण है वो है सदाचारी, सद्गुण। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रजा को भी जब इस बात का पता चला तो उनको मंत्री के प्रति पहले से भी ज्यादा सम्मान जागृत हुआ। ठीक इसी प्रकार जीवन के अंदर सद्गुणों की अति आवश्यकता है, क्योंकि गुणों से ही मनुष्य देवता समान बनता है। आसुरी अवगुणों से हम आसुरी राक्षस समान बन जाते हैं, जिनसे हम भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी हमारे से दुख की प्राप्ति होती है। तो परमपिता परमात्मा हमें अब सद्गुणों को धारण करने की विधि बताते, मार्गदर्शन देते और साथ साथ राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिस अभ्यास से हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा से शक्ति प्राप्त करती हैं और उस शक्ति के आधार पर हम अपने जीवन में सद्गुणों को बड़ी सरलता के साथ धारण कर सकते हैं और अवगुणों को तज सकते हैं। ओम शांति।